नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। एक सौ आठ फुट ऊंची जैन प्रतिमा गिनीज रिकॉर्ड्स में शामिल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव की 108 फुट ऊंची प्रतिमा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे विशाल जैन प्रतिमा के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रतिमा को एक ही पत्थर को तराशकर बनाया गया है। यह भव्य प्रतिमा उत्तरी महाराष्ट्र जिले में बेगलान तहसील के पहराबाग गांव के मंगीतुंगी पर्वत पर स्थित है। पिछले माह एक भव्य समारोह के दौरान इस प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया। मंगीतुंगी ट्रस्ट के महासचिव संजय पापदीवाल ने बताया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिनिर्णायक स्वप्निल दांगेकर ने इसे दुनिया की सबसे विशाल जैन प्रतिमा का प्रमाण पत्र प्रदान किया। अभी तक कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में स्थित 57 फुट ऊंची भगवान बाहुबली की प्रतिमा को दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा की मान्यता मिली हुई थी। उमर और अरनिबान की रिहाई के लिए आंदोलन करेंगे कन्हैया कुमार। देशद्रोह का आरोप झेल रहे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार देशद्रोह के मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में बंद विश्वविद्यालय के दो अन्य छात्रों की रिहाई के लिए किए जा रहे आंदोलन की अगुवाई करेंगे। उल्लेखनीय है कि अफजल गुरु के समर्थन में कार्यक्रम करवाने वाला उमर खालिद और उसका सहयोगी अनिर्बान भट्टाचार्य जेल में है। कन्हैया ने बताया कि सरकार और पुलिस ने मेरी जमानत में देरी करने की भरसक कोशिश की, लेकिन फिर भी मामले में मुझे जमानत मिल ही गई। लेकिन हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उमर और अरनिबान को अभी तक रिहा नहीं किया गया है और अब मैं छात्र आंदोलन की अगुवाई करूंगा। टेनिस की पूर्व नंबर वन खिलाड़ी शारापोवा ड्रग टेस्ट में हुई फेल, लग सकता है बैन। टेनिस की पूर्व नंबर वन खिलाड़ी और पांच बार ग्रैंड स्लैम विजेता रही मारिया शारापोवा ने एक खुलासा कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने यह कबूला कि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थी। शारापोवा ने ये खुलासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। शारापोवा ने कहा कि उन्हें उस दवा के सेवन के लिए फेल किया गया जो 10 साल से स्वास्थ्य कारणों की वजह से वे ले रही थी। शारापोवा ने कहा कि मेल्डोनियम के लिए हुए उनके टेस्ट पॉजिटिव आए थे। इसे वर्ष 2006 से वे ले रही थी, लेकिन पिछले साल यह बैन दवाओं की लिस्ट में शामिल हो गई। मैं टेस्ट में फेल हो गई और इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के एक स्टेटमेंट में जारी इस बात की पुष्टि की गई है कि शारापोवा का टेस्ट 26 जनवरी को पॉजिटिव पाया गया। आईटीएफ के मुताबिक इस टेस्ट के रिजल्ट और शारापोवा के ड्रग लेने की बात कबूल करने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। 12 मार्च से ये लागू हो जाएगा।